हाँ तो क्या क्या खाए तुम लोगों ने आज? मैंने खाया दाल भात। दवाई टिटिंग टाटिंग है तू तू ने मैंने ना आज वो क्या कहते हैं पेड़ में निकलती पीरी पीरी की सब्जी। अभी कहाँ की पीरी यार? पीरी निकलती है ना। अच्छा तूने क्या खाया? अरे रसे वाली थी क्या ठूसे वाली थी? हम रसे वाली खाते हैं। तू का हाँ तू सही है। अच्छा सबसे उत्तम भट्टा हमारे यहाँ की महारानी भी भट्टा ही बनाती है हमारे लिए आलू भट्टा। अच्छा एक चीज बता तुम मम्मी कहते हो क्या भाई कहते हो? मम्मी मम्मी कहते हैं। मम्मी तुम्हारे पापा को राजा जी कहती है तुम्हारी मम्मी? नहीं भाई है हमारे यहाँ कहती है मेरे को तेरी चाची रे। राजा जी कहाँ गए हमारे यहाँ? राजा जी इधर आइए। राजा जी के अलावा तो बोलती च नहीं मालूम। अच्छा और मैं उसको ठाट से महारानी पिंकी ऐसा कहता हूँ। अभी दिखाता हूँ तुमको महारानी पिंकी इधर आइए। महारानी पिंकी कहाँ गई यार? ए महारानी पिंकी ये घोचू आदमी को और क्या काम आ गया फिर चिल्लाने लगा। कैसे हो रहे हो तुम? हमारे दोनों भाई कहाँ हैं? उन्हें बुला के लाइए हमारे आदेश का पालन किया जाए। हम तुम्हारे नौकर हैं बुला के लाएंगे। काय को कचरा कर रही है अभी बढ़ाई बताया था मेरी आर? आपको जितना बोला जाए उतना करें। आज थोड़ा गुस्से में है लगता है क्यों? नहीं काम क्या है ये बताओ। हमारे दोनों भाइयों को बुलाया जाए। तुम तो नकारे निकम में जैसे यहाँ बैठे रहते हो कम से कम मेरे को तो काम करने दिया करो उधर। जाना इज्जत का सवाल है वो? काय की इज्जत का सवाल है? अरे पिल्लू उनको काय के लिए बैठाल के रखे हो? ओह नो आप जाइए जा 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 यहाँ से बुला के ला उनको। चिल्लाना मत दोबारा बता रही हूँ खराब करोगे सब इज्जत का भाजी पाला करती है। क्या इज्जत है तुम्हारी हो? ओह नो अरे कभी कभी वो मजाक की मूड में आ जाती है यार इसलिए अभी वो मजाक के तौर पे ऐसा बोल रही थी। नहीं तो ना बहुत इज्जत हमारी घर में राजा जी के सिवाय तो बात ही नहीं करती भाई हमसे। अच्छा समझ गए। चलो काका फिर से बुला के दिखाओ आप। नहीं अभी बुलाने गई है। आएंगे अभी हमारे राजकुमार भाई हमारे छोटे हमको मिलाना। अभी मिलना मिलाएंगे मिलाएंगे आते ही होंगे। बेटा अभी तक गए कहाँ ये? और सुनाओ मामा गांव गए थे? काका मैं गया था मैं आज ही आया हूँ। वो छुट्टी थी अभी? हाँ छुट्टी थी ना तो गया था। कौन सी क्लास पढ़ते हो? मैं भी छठवी मैंने भी बहुत पढ़ा अपने जमाने में बेटा घुटने छिलते तक पढ़ा घुटने छिलते तक। क्या हो गया गा? अरे तुम कहाँ घूमते हो यार? अरे हमारी मर्जी कहीं जाएं हम। तूने बुलाया काय के लिए वो बता। अबे बड़ा भाई हूँ इनके सामने तो इज्जत करो मेरी। तू बौखला गया तू इधर कुछ काम। अबे बाद में जितना बोलना है बोल लेना इनके सामने तो इज्जत कर मेरी। संता तेरी इज्जत रहेगी तब तो करूँगा। तो बाद में कह लेना ना अभी। चल ठीक है हम थोड़ा सलाह मशवरा कर रहे हैं हमारे भाइयों के साथ। तुम लोग जाओ खेलने चले जाओ अभी ठीक है। मच्छरदानियों को रख लिया यहाँ और घर में जाना तो अपने सबको बताना। अरे तू फलाना काका ऐसा फेंकता है ऐसा फेंकता है घर के बारे में ये इनकी बातों में ध्यान नहीं देना। घर जाना अपने अपने मम्मी पापा को बोलना एक दूसरे को मतलब मम्मी राजा जी बोलेंगी और पापा महारानी बोलेंगे ठीक है। यंटा मुन्ना को कहां से बुला लिया? जाओ सब अपने अपने घर में बता देना। जाओ 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 यंटा मुन्ना को बुला लिया वो उधर टोला साइड रहते है। अबे जाना बे चिरखू कैसे लड़के आ गए अभी हमको काय के लिए बुलाया? बैठ कहाँ बैठेगा और जगह नहीं है बैठ रे काय के लिए बुलाया आप बता। अबे मोबाइल फूट जाएगा बे। मैं सही जगह बैठा कुर्सी ला लेना उधर से यार जा।
तू तो सही में आज राजा महाराजा वाले ठाट बता रहे हमको। जा तू छोटा है, तू कुर्सी ला ले फट से जा। सुन, वो अच्छे बच्चन के सामने फेंकना है ना, हमको मत बताया कर ये तेरे ठाट बाट। ऐसे में सुधरते हैं बे। शर्ट अगर फट गई ना मेरी, गांव को सुधारने की बात कर रहा हूँ, तुम साले मेरी बेइज्जती कर देते हो सबके सामने। खुद तो सुधर जा पहले। कहाँ तक खुद तो सुधर जा, जब तो गांव सुधरेगा। घर के लोग इज्जत नहीं करोगे तो बाहर के क्या इज्जत करेंगे रे मेरी। और राजा महाराजा के ठाट मैं तेरे को बताता हूँ, देख ये। हाँ क्या हल्के में लेता है कि तू? राजा कभी भी ऐसा बैठता ये स्टाइल के तूने भी मार लिया। और परसों के दिन तेरे को सिखाया था। अच्छा काम बोलगा, मेरे को तो जानते ही होगे तुम लोग। काम बोल रहा है, ये जानते वाले ने थेतरा ही दूंगा मैं। सबसे खतरनाक हूँ घर में, तू भी तो डरता है मेरे से, है कि नहीं? इज्जत करेगा इज्जत। टेंशन हो गया यार मेरे को। काय का? अरे बहुत सारा। काय की टेंशन हो गई तेरे को? एक कुड़ो का हो गया होगा। ज्यादा ही हो गया। बताएगा। अरे त्यार बाहर आ रहे हैं अभी। तो वही टेंशन है मेरे को। अरे पैसा तो ढेर है पर साला कहाँ दियो जरा, 10 करोड़ दियो। अरे जेब में नहीं रखता मैं। ओ अच्छा, वो अभी बाहर गया था ना कमाने ये। तो इसका छोटे मोटे बैंक में अकाउंट थोड़ी ना है। भारतीय रिजर्व बैंक से डायरेक्ट लेना देना है। क्यों रिजर्व बैंक में? रुक जा, भाभी को बुलाते हैं। अबे कहाँ वो क्या होगा? तो कहाँ तू ढिंडोरा पीटने जा रहा है? ले देना उसके लिए, अभी बहुत त्यौहार भी पैसा नहीं है। है कितना है तो बता तो दे। रिजर्व बैंक से लेना देना जिस आदमी का, भाई राजा बता रहा था। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मेरी भाभी है, तू है, मेरा मंजला भैया है और मेरे साथ मेरा धोती वाला बाबू है। तेरे मेरे पास क्या है बताओ? तेरे वो जो अकाउंट है ना वो HDFC में, उसका पिन नंबर मेरे पास, ATM का नंबर है मेरे पास। उन्हें कब चोरा बे? मामूली बात है क्या रे? तू सही बोल रहा है। 11,311 रुपए है उसमें। सुन तो का, मैंने तेरे लिए कुछ लाया हूँ। बता ले। ये क्या है बे? आशीर्वाद। ओहो अरे वो अरे ये मारा पीटी ना, सुन तो तेरी आराम मारा पीटी ये मारने वाली आदत छोड़, काम क्या है वो बोलने चल रहे भाभी। बैठ 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 बैठ, बहुत सारी काम की बात करना है। साले निकम्मो यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, कभी कुछ सोचे हो कुछ कर ले हम? अरे तो काम धंधे रहेंगे जब तो आदमी कुछ करेगा। लगाओ अपना अपना दिमाग, क्या कर सकते हो? मैंने तो सोच लिया इतने जल्दी। अरे मेरी बहुत बड़ी सोच है। अच्छा है? मैं आगे तक की सोचता हूँ। बहुत बड़ा, मेरे साथ रह के देख रहा है, टैलेंटेड हो गया। गारंटेड टैलेंटेड है। तू बता। एक तुम चारों को एक आधे के दिन पानी पिलाऊंगा या चाय पिलाऊंगा या खाना खिलाऊंगा, उस दिन एक हाथ ला लूंगा। कौन सी आती यार गोली, वो जहर वाली। जहर खिलाएगा हमको बे? कौन सी? हाँ सल्फा। oh, no. एक बार में खिलाऊंगा, चिटका दूंगा तुम चारों को, खत्म, फिर पूरा माल मेरा। yes. देख रहे है? अब तू भी बता दे, कुछ बच्ची होगी तेरे पास में तो। अरे इतनी घटिया सोच मेरी नहीं है। मेरा तो फिलहाल एक ही प्लान ना है। तूने मेरा झूठा दूध पिया, इतनी घटिया सोच नहीं सकता तू। कब? अबे पैदा हुए जब बे। हाँ, ये मैंने सबसे पहले पिया दूध बाई का, फिर तूने पिया, उसने नहीं पिया, इस निकम्मे ने पिया, तो बचा कुचा था डब्बे का दूध। डब्बे का? अरे वो तो मेरी सोच तो सुन ले। बता। फिलहाल तो मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही है, मस्त तन्नू से शादी करूंगा आई, और 4-5 साल में 8-10 बच्चे पैदा करके तेरे को बड़ा। तेरे को शर्म नहीं आती बड़े भाई के सामने ऐसे बोलते? शर्म नहीं आती तेरे को? अब क्या है जानवर, तेरे तेरे उसकी बहन भी है मन्नू, उससे तेरे डॉक्टर पे भी। अरे तो क्या है, दो रिश्ते बन जाएंगे, मुंह से भी बन जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे तो कुछ बनता बनाता है नहीं। काम धंधे। अच्छा मैच कुछ अबे चूतिया हो। अभी आ रहा है मंडई मेले का सीजन, उसके पहले क्या बोला तूने? चूतिया। वो तेरे को कैसे पता कि हम हैं? हाँ। अरे
तुम बक बक बात करो ये हम मत बोल बे तू है। अरे मैं पक गया तुम्हारे मारे, क्या बताऊं क्या नहीं। कभी तो सीरियस हो जाया करो, सीरियस। हंसता है बे एकदम। तुमको जैसा लगता है वैसा करो। नहीं वो क्या बोल रहा, तो बोल रहे मुंह बास करता तेरा। ब्रश नहीं किया था इसलिए कर रहा होगा। अबे तो यहाँ मारना, यहाँ यहाँ मार के बता, यहाँ मारना ऐसा। बस चप्पा सही कहती तेरी भाभी तेरे को लमडोरिया। और तू साले दांत टूटे। मार दिया। क्या बोल रहा तू? नहीं बोलता अब मैं। बोल देगा मेरे से? बोल दे, ले बोल देना साले। कल परसों तेरी शादी होगी, ऐसे ही लड़कपन रहेगा तेरे में तो। साले देख रहा है, साला बोल रहा है भाई। छोटा है चलता है, सुधरोगे तो ना। तू गाली मत बोल। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को? अभी आ रहा है मंडई मेले का सीजन, है ना? अब तुम लोग सोचो कि क्या क्या कर सकते हो तुम लोग। मैं तो गुब्बारे का खोलूंगा साइकिल में। मैं एक ही काम कर सकता हूँ, मैं एक ही काम कर सकता हूँ। तू कब बेचेगा? अबे तो हंस ले, नहीं तो बता ले बेवकूफ कहीं का। ये कोई काम तो है मेरे पास। क्या बोल रहे थे? तो जिंदगी में बस यही काम करने। क्या नाटक करता है यार? क्या बोल रहा था? काय का गुब्बारे का दाम? हाँ मैं तो बलून बेचूंगा, बच्चों से 5 की जगह 10 लूंगा। लूटने का काम? लूटूंगा तभी तो 100 के लाऊंगा, 400-500 बनाऊंगा। बाबू को दूंगा 200, तेरे को दूंगा 100। देखगा तेरे बारे में कितना सोच रहा हूँ। भाभी को दूंगा 50, तेरे को 50, बस बाकी का पूरा माल मेरा। आ रहा हूँ। और तू? मैं? पहले तू बता ना, तू मेरी कॉपी कर लेता, वो मैं जो बोलता हूँ ना वो तू कर लेता है, फिर बाद में मेरे को मालूम। बता। नहीं तू ही बता। नहीं मेरा बिजनेस अलग रहेगा, तू पहले बता। तू छोटा है ना मेरे से। बिजनेस की तो बहुत सोचा हूँ मैंने का। मैंने सोचा हूँ अपन भजिए वजिए की दुकान लगाते हैं। हाँ लगा लो। हो गया तुम्हारा? मांडाई में रहेगी तीनों भाई की 3 दुकान। मेरी अभी छोड़ दे, तुम दोनों पहले क्लियर करो। मैं मारुति की एजेंसी खोलूंगा। oh, no. अबे पूरी जायदाद बेच के मस्त लूंगा। अरे इसके मुंह कौन लगे मेरे समझ में नहीं आता। तू बता बे अच्छे से। तो मैं अकेला चला यहाँ से, मैं कुछ भी कर लूंगा। अपन तीनों भाई लगाएंगे भजिए की दुकान। तीनों नहीं, अपने अपने बारे में सोचो। मैंने गुब्बारे का बोल दिया, मारुति वारुति अपने काम। मैं सबसे अच्छा धंधा काय का बताऊ मंडई मेले में? अंडे का। अच्छा तो वो लगा दे। जहाँ अंडे बिकते हैं दारू पीने वाले अंडे खाने आते हैं। अरे दारू नहीं, सब ही खाते हैं अंडे। दारू पीने वाला तो एक तरफ। अरे भैया वो कहाँ की मंडई में क्यों रहे? अपने को छिलके में लगे वाले अंडे तक नहीं मिले थे। oh, no. अरे छीलते छीलते कभी छिलके हो गया तुम्हारा? अब देखो बताइए। अब मेरी सोच देखो। मेरी सोच तक जाने के लिए अच्छों को पसीना छूट जाता है। मैं तो कई बार आ गया वहाँ पे। क्योंकि मैं लगाऊंगा झूले की दुकान, अबू लकड़ी वाला। और वो जब झुलाऊंगा ना, चार 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 करता है ना, फिर देख लो गुड़गुड़ होने लगेगा। मालूम चार चार। एक बार क्या हुआ, हम बाप बेटे गए कहाँ गा? आष्टा मेला। ओ भी लकड़ी का झूला लेके। अरे झूला लगाया था? हाँ रुक भला बाबू से पूछ के आता हूँ। घर में नहीं है ना बाबू बे? कहाँ गया था? सुन लेना पूरी पहले। अब भैया 11 बजे तो हमने रमाए 2-4 दिन को बैठाल के, और दिन भर ऐसे ही चलते रहो। और 3 बजे थे दिन के, आना जब जनता माई छुआ सहित। हरे
एक बाई आई, उनका भाव भी था और उनका है ना लड़का, मेरे को लगता है 2-1 साल का रहा होगा उसको भी। अब बाई को शौक तो देख झूला झूलने का, मालूम छोटे से बच्चे को बड़ा शौक है, छोटे से बच्चे को लेके बैठ गई झूला में, ऐसा एक तरफ बाई एक तरफ भाव और बीच में बच्चा, जैसे अभी तू बैठा है क्यों? हाँ रे, हाँ। आप बाबू कहता है ले रे, अच्छी जम के थे झूले में, बाबू कहता ले रहे गोविंद दम लगा रे बेटा, मैंने कहा हाँ बाबू, एक राउंड दो राउंड तीन राउंड आना जब छन छना के गंगा बही कहाँ झूले में कैसे का? अरे वो जो लड़का था ना, हाँ उसको बेचारे को चक्कर आई होगी, आओ सुसु निकाल और चालू कर दिया, आओ तू तो सप्पा गीला हो गया, मैं साइड में था, आओ और बाबू का, बाबू की तो सुन। अब झुलाते झुलाते मैं बाबू को देखा तो बाबू दिखा ही नहीं, कहीं गया कहाँ? अब सब चिल्लाने लगे गंगा बह रही ना हो रे, गंगा बह रही ना हो रे। का बाबू कहाँ नहाने चले गए बेटा? बाबू दिखाई नहीं। फिर बाबू उधर से घूम के आया तो मैंने पूछा, मैंने कहा तू अजीब आदमी है, मैंने कहा अच्छा रूच पे आया था झूला और तू कहाँ उधर टटक गया एक तरफ। हाँ। कहने लगा मैं टेंशन में आ गया रे, कहने लगा मैंने काय के लिए, कहने लगा वो एक जगह बेटा पानी गिर रहा था, मैंने सोचा और कहीं इधर उधर तो नहीं गिर रहा है, कह के देखने चले गया था काय बाबू। हाँ इतना ज्यादा अरे तो चक्कर है आई होगी यार, ले ओ रे और वो छुटका पे ओ रे, सुन रहा है तू झूठ बोल रहा है, तू भी गीला हुआ, बाबू से पूछ, अबे मैं झूला झूला रहा था ना, गीला हुआ होगा तू, अरे यार मैं तुम लोगों को नहीं समझा सकता है ना, अरे वो सब ठीक है, तेरा आगे का प्लान क्या है? तो झूला ही डालेगा, मैं झूला ही डालूंगा, लेकिन है कहाँ झूला अपने पास? अरे डेर मिलते हैं ना, बनवा लेंगे अपन बड़ई से अपने हाके, तो ठीक है तेरा, तेरा फुग्गे की दुकान, हाँ भजिया, तेरे अंडे की दुकान, अंडे हाँ। और अपना झूले की, चले अब पैसे कितने हैं बता भला? अरे सब हो जाएगा ना यार, गोचू आदमी बंद करो तुम्हारी फेक अम्फाक, उधर निर्मा खत्म होगा, कितने बार बोल रही कपड़े धो रहे कोई आया रे तो समझा, कम से कम 2 महीने बाद अपन 3 भाई बैठ के कुछ बात कर रहे थे, कौन से बात कर रहे थे तुम? अरे साली जल्दी छाई मत देओ, हां करो निर्मा भी मला के दो, मेरे को बता रही हूं कपड़ा धुल रही हूं, मला के देओ, जा रे जा वो बाबू के खींचा से 10-20 निकालना और इसके मुंह पे निर्मा फेंक दे, बाबू कहां है तो अबे वो तो उसकी वो टंगी है ना फतई पे होंगे ना बे, अरे कोई फतई फतई नहीं है, वो भी चटाई लेके भाग गए कपड़े डाल, अरे जाना यार चल चलो चला दे कपड़े डाल, अरे अरे ना अरे दिमाग खराब मत कर, चल कोई काम ढंग से नहीं करने देती भाई, चेबी दिमाग का फेंक रहे उनको, रे कुर्सी इनको उधर बे, बकवास ही करोगे पैसे की है फेंके मत, लब 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 लब।